हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को UPTET CTET की तैयारी करा रहा था, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने आपको परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास को सॉल्व करा चुका हूं। चैप्टर 4 पेड़ पौधे एवं जंतु, इस टॉपिक को मैंने कई पार्ट में बनाया है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर फर्स्ट कमेंट को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पेड़ और पेड़ों से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं आपको क्लियर कराऊंगा और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं तथा इसके अलावा मनुष्यों तथा जीव जंतुओं को अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हम पौधे के भाग एवं उनकी भूमिकाएँ। तो जितने भी पौधे होते हैं वो प्रायः जड़, तना, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं, जबकि अगर हम बात करें कुछ पौधों जैसे कवक, शैवाल आदि में इस प्रकार की चीज़ें नहीं पाई जाती। तो जिन पौधों में जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है उन्हें हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको किस वर्ग में रखा जाता है, थैलोफाइटा। तो बात करते हैं हम आगे, जो बड़े उच्च कोटि के पौधे होते हैं उनमें जड़, तना एवं पौधे पाए जाते हैं। तो पौधों के इन भागों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। तो पौधों को जो तंत्र होते हैं या पौधे के जो भाग होते हैं वो दो मुख्य भाग हैं, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। बात करते हैं जड़ तंत्र की, तो यह पौधे का जमीन से जुड़ा हुआ भाग है। और यदि हम बात करें प्ररोह तंत्र की, तो यह पौधों का बाहरी भाग है। तो जो प्ररोह तंत्र होता है पौधे का ऊपरी भाग होता है, जो जमीन के ऊपर पाया जाता है, और जो जड़ तंत्र होता है वह पौधे का निचला भाग होता है जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। तो बात करें अगर हम प्ररोह तंत्र की, तो प्ररोह तंत्र के अंतर्गत हम जानते हैं कि आते हैं तना, शाखाएं, पत्तियां, फल और फूल। तो आइए एक एक करके हम इन सब के बारे में हम जानें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम तने की। तो यह पौधे का वह भाग होता है जो कि प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम पौधों को रखते हैं या पौधों को लगाते हैं तो उसमें जो तने होते हैं, तने हमेशा लाइट की ओर वृद्धि करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पौधों के तने पर पाए जाने वाली पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती हैं। तो आप जितने भी पौधों को देखेंगे उनके तने जो होते हैं हमेशा लाइट की ओर गति करते हैं, और इसका मुख्य कारण ये होता है क्योंकि इनके जो टिप होते हैं, जो वृद्धि वाले भाग होते हैं, उसमें एक हार्मोन्स पाई जाती है जिसका नाम है ऑक्सिन। तो आप याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से हमेशा यह प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। बात करें पौधे के तने के निर्माण की, तो पौधे का जो तना होता है वो बीज के प्रांकुर वाले भाग से निर्मित होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो तना होता है, तने का निर्माण बीज के किस भाग से होता है, तो याद रखिएगा प्रांकुर वाले भाग से। और बात करें यदि हम तने की, तो तना पौधे का प्ररोह तंत्र होता है। जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि पौधे का जो प्ररोह तंत्र होता है वो भूमि का ऊपरी भाग होता है, और पौधों के तने पर ही शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल इत्यादि लगे होते हैं। और ये जो सभी पार्ट है, चाहे वो तना हो, शाखाएँ हों, पत्तियाँ हों, फूल हो, ये प्ररोह तंत्र में ही आते हैं। आइए बात करते हैं तने के कार्य की। तो तने के जो मुख्य कार्य वो निम्नलिखित है। तो यदि हम बात करें पहले मुख्य कार्य की, तो यह जड़ों द्वारा जमीन से अवशोषित जल और खनिज लवण को शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों तक पहुंचाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो जड़ होते हैं, जड़ों से जो पानी अवशोषित होता है, तने उनको क्या कहते हैं, ऊपर तक पहुँचाते हैं। लेकिन आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं, कि जो पौधों की जड़ एवं तने होते हैं उसमें एक ऊतक पाया जाता है जिसे हम जाइलम कहते हैं। तो जाइलम के द्वारा ही पौधों में जो होता है पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जाइलम। मैंने एक ट्रिक बनाया जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि पौधों में जल किस ऊतक द्वारा जाता है। तो आप याद रखिएगा, जल से जाइलम।
तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं दूसरे कार्य की, तो यह पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, तो पत्तियों में ही उनका भोजन का निर्माण होता है। तो ये जो भोजन है वो भोजन को ये ले जाते हैं तने। अब बात करते हैं तने में एक ऊतक होता है फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक द्वारा ही जो फूड होते हैं अर्थात पौधों के जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो अन्य भागों तक जाते हैं। कभी कभी हरा तना होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि आप नागफनी में देखने को मिलता है कि नागफनी के जो तने होते हैं वो हरे होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो ये थे तने के मुख्य कार्य। तो अभी तक हम लोगों ने जाना तने और तने के कार्य के बारे में। आइए हम आगे जानते हैं कि तने कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें तनों के प्रकार की, जिसे हम तनों के रूपांतरण के नाम से जानते हैं, तो आइए हम जानते हैं तनों में रूपांतरण क्या होता है और ये किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं तनों के रूपांतरण को एक टेबल के रूप में बनाया हूँ, जिसमें एक तरफ भूमिगत तने और दूसरी तरफ उनके उदाहरण हैं। तो आइए हम जानें कि भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं और ये प्रकार क्या कहलाते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंद की। तो जो कंद होते हैं वो भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों पर जो फूला हुआ भाग होता है, और यह फूला हुआ भाग गोल संरचना बनाता है और इस संरचना को ही हम कंद कहते हैं। जो कंद होते हैं वो भूमि की शाखाओं पर पैरेलल चलते हैं, अर्थात एक पार्श्व दिशा में सीधे की ओर चलते हैं। तो अगर हम बात करें कंद की एग्जाम्पल की, तो कंद के जो एग्जाम्पल है आप हम डेली लाइफ में ज़रूर देखते हैं, तो वो है आलू। तो आलू जो होता है कंद का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिससे कि क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में अक्सर आते हैं। दूसरा भूमिगत तना है घनकंद। तो जो घनकंद होते हैं वो हमेशा ज़मीन में ऊर्ध्व दिशा अर्थात वर्टिकल दिशा में चलते हैं, और वर्टिकल दिशा में जाकर ये गाठ के रूप में ठोस संरचना बनाते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल है अरबी। आप सभी ने देखा होगा या अरबी की सब्जियां खाई होंगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है जिसे हम सूरन के नाम से लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो घनकंद के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा, जो घनकंद होते हैं वो वर्टिकल दिशा में ऊपर की ओर गति करते हैं और मोटे ठोस गाठ के रूप में संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट जो कि थर्ड है, जिसे हम बात करेंगे शल्ककंद की। तो शल्ककंद नाम से ही है, शल्क मतलब स्केल। तो जो इस प्रकार के भूमिगत तने होते हैं उसमें जो होते हैं छोटे छोटे स्केल होते हैं, चारों तरफ एक लेयर होती है। तो जैसे आप लोगों ने प्याज को देखा होगा, तो प्याज में जो सूखा हुआ भाग होता है बाहर की तरफ और अंदर की ओर जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, शल्क होते हैं। तो प्याज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है शल्ककंद का, आप इसे याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं प्रकंद की। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे प्रकंद के बारे में। तो प्रकंद क्या होते हैं, तो प्रकंद ये इस प्रकार के भूमिगत तने होते हैं जो कि भूमि में क्षैतिज दिशा में चलते हैं, अर्थात ये भूमि को पकड़कर उसी की दिशा में क्षैतिज रूप से चलते हैं। तो ये गहराई में नहीं होते, वो भूमि के ऊपरी सिरे पर ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे हो गया आपका हल्दी, अदरक आदि, तो हल्दी और अदरक प्रकंद के एग्जाम्पल हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा, तो उससे जुड़े अगर हम प्रश्नों की बात करें, तो अक्सर इसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आलू क्या है। तो अगर आपको अच्छी तरह से जानकारी है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि आलू एक क्या है, तना है, लेकिन अक्सर अगर ये जितने भी उदाहरण आप लोगों ने तनों के भूमिगत पढ़े हैं, तो उसमें आपको लग रहा होगा कि ये सभी क्या है, जड़ है, लेकिन ये सभी क्या उदाहरण है, तनों के हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे जुड़े हुए प्रश्न यूपी टेट, सी टेट व अन्य टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज पौधे और पौधों के भाग तथा तनों के बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम लोग पौधों के अन्य भाग जैसे जड़, पत्ती, फूल इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और रही बात प्रश्नों की, तो जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लास्ट में मैं इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर कमेंट कीजिए।
और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।